लेह और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े शब्दों में संदेश देते हुए कहा है कि देश गलवान के शहीदों के बलिदान को भूला नहीं है, ना ही कभी भूलेगा। अगर किसी ने धमकी देने की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना हर चुनौती का डटकर सामना करेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको बता दें कि लद्दाख यात्रा के दूसरे दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने में विश्वास रखता है, लेकिन वह विदेशी शक्तियों के खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो जवाब करारा दिया जाएगा। वहीं इससे आगे बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे आतंकवाद की बढ़ती समस्या और आर्थिक सामाजिक विकास की कमी मुख्य कारण थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने लद्दाख के लिए केंद्र की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सके। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने लेह और लद्दाख में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में वीरता के कई किस्से हैं। देश उन लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। भारत सरकार हर तरीके से अपने सैनिकों की जरूरतों को पूरा करेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने लद्दाख के निर्माण से सकारात्मकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2 साल पहले सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। जब मैं लद्दाख के लोगों और जब हमारे सांसद जमयांग तेशरिंग नामग्याल से बात करता हूं, तब मुझे फर्क दिखता है। वह कहते हैं कि लद्दाख के लोग बेहद खुश हैं और अब यहां पर सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब जल्दी ही सब कुछ पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।